नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का एमएस गुरु इंडिया में स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे आप बगैर यूआरएन नंबर, बगैर सीआईएन नंबर के आप कैसे अपने चालान को सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास इस उपलब्ध नहीं है तीनों में से, तो आप कैसे अपने चालान को सर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस पोर्टल, आप देख सकते हैं mptreasury.gov.in, इस पोर्टल पर आना पड़ेगा और यहाँ पर साइबर ट्रेजरी यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे सेकेंड नंबर पर चालान सर्च, तो इस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो चालान सर्च में एक डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बेसिक है सीआईएन नंबर, सीआरएन नंबर, यूआरएन नंबर, अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी उपलब्ध हो तो यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे इनका जो भी नंबर है एंटर करके यहाँ सर्च करेंगे तो आपका जो चालान होगा वो आपका आ जाएगा। लेकिन आपके पास ये तीनों नहीं है, ना ही सीआईएन नंबर है, ना ही सीआरएन नंबर है, ना ही यूआरएन नंबर है, तो आप अपने चालान को कैसे सर्च करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखें बैक, फिर यहाँ से जाएंगे और चालान सर्च भी यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे चालान सर्च रिपोर्ट। तो इस वाले लिंक पे जो ऊपर वाला दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे आप अपना चालान है, ये ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने। इसमें आप देखेंगे चालान का टाइप, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करें ऑनलाइन किया है तो ऑनलाइन, यहाँ पे फिजिकल, या अपने बैंक में जमा किया है तो यहाँ पर फिजिकल भी कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन किया है तो आप ऑनलाइन क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो ट्रेजरी का नेम है, तो आपका ट्रेजरी का नेम जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में आपने जहाँ पर भी जमा किया है तो वो यहाँ पर, या मत जो भी है आपके, यहाँ से सेलेक्ट करें। अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखें अनूपपुर ट्रेजरी की बात करें 460 में, तो आप देख सकते हैं। और इसमें यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना है, तो आपका डेट जब भी आप जिस भी डेट में आपने चालान जमा किया है तो उसका यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे। चलिए मैं 22 तारीख की बात करता हूँ, 22/12/2021 की, यहाँ पर ये सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये जाएगा। लेकिन अगर आप और ज़्यादा कन्फर्म है आपको किस बैंक में है, किस बैंक में आपने चालान किया है, तो उस हिसाब से भी आज यहाँ से और सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका थोड़ा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि आप जो भी बैंक आपको याद है तो आप यहाँ से बैंक का नाम भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और ब्रांच का नाम भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा थोड़ी आसानी होगी। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा करेंगे तो उसमें ज़्यादा जितने भी ऑप्शन रहेंगे अनूपपुर ट्रेजरी के, वो यहाँ पर पूरे आ जाएंगे। तो मैं देखें यहाँ पर बताता हूँ आपको, तो आप देख सकते हैं जो अनूपपुर ट्रेजरी में जो जितने भी चालान हुए हैं जो 22 तारीख में, वो यहाँ पर सभी आ गए, आप देख सकते हैं। तो आप इनमें से अपना चालान जो भी है, आप जिसके नाम से आपने जिसने किया, यहाँ पर यहाँ से यूआरएन नंबर आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपका जो डिपोजिटर नेम है, इससे यहाँ से अपना पूरा डिटेल निकाल सकते हैं, पूरा डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेजरी नेम जो भी है, चालान डेट यहाँ पर 22 तारीख की बात कर, बैंक का नाम जो भी आपका, डिपोजिटर नेम जो भी है, हेड ऑफ अकाउंट जो भी है आपका, अमाउंट जितना भी, स्कॉल नंबर या यूआरएन नंबर आप यहाँ से नोट करके और इसको वहाँ पर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपका जो भी ये चालान रहेगा वो वहाँ पर सर्च हो जाएगा। तो इस तरह आप अपना चालान बगैर यूआरएन नंबर, बगैर सीआईएन नंबर के भी आप अपना चालान सर्च कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।